वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टैग आज जब हम पढ़ेंगे अप्रैल मंथ की अपॉइंटमेंट्स के बारे में अप्रैल मंथ में जो है वो किन किन की नियुक्तियाँ जो है वो हुई हैं और वर्तमान में आपके पास कौन क्या वर्तमान में कौन क्या है ये जो हम आज पढ़ेंगे तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें शेयर करें तो चलिए आज की वीडियो जो है वो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है रिसेंटली द शेख मंसूर बिन जायद अल नयान हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो ये आपके वाइस सॉरी वाइस प्रेजिडेंट जो है वो बने हैं यू के नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस् द फॉलोइंगज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर ऑफ़ पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर फर्स्ट फीमेल वाइस चांसलर ऑफ़ पंजाब यूनिवर्सिटी तो ये बनी है प्रोफेसर रेणू चिम्मा बिज और इन्हें किसने अपॉइंट किया तो है तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे इंडिया के जगदीप धनकार उन्होंने जो इन्हें अपॉइंट किया है एज़ अ वाइस चांसलर ऑफ़ पंजाब यूनिवर्सिटी नेक्स्ट थ्री इयर्स के लिए सो so, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास

Uh, see, uh, इन्हें जो है वो ओथ दिलवाई है आपके uh, जो गवर्नर हैं uh, गवर्नर हैं कलकत्ता के उन्होंने सी वी आनंदा बोस जो हैं इन्होंने इन्हें जो है वो ओथ दिलाई है हाई कोर्ट में सो so, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस्त तो ये आपके पास बने हैं रुद्रेंद्र रुद, रुद्रेंद्र जो है ये आपके पास इंडिया के अम्बेसडर बने हैं ग्रीस के लिए और ये जो है आपके 1994 नाइन्टी के आई ऑफिसर हैं करंटली जो है ये एडिशनल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में और उससे पहले जो है ये अम्बेसडर थे इंडिया के अफग़ानिस्तान में सो so, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसोर्स बाय द यूएस सेनेट तो ये जो है वो आपके अपॉइंट किए गए हैं रिचार्ड वर्मा जो रिचार्ड वर्मा है इन्हें अपॉइंट किया है एज अ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसोर्स बाई यू एस सैनेट और ये जो है वो एक इंडियन अमेरिकन आग, इंडियन अमेरिकन जो हैं वो ये हैं इससे पहले ये चीफ लीगल ऑफिसर एंड हैड ऑफ ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी मास्टर कार्ड में सो so, इससे पहले जो है ये आपके मास्टर कार्ड में चीफ लीगल ऑफिसर एंड हेड ऑफ ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी एंड इसके अलावा इन्हें जो है वो ये याद रख लीजिए कि इन्हें जो है वो चीफ जस्टिस मार्शल लाइफ टाइम चीफ अवार्ड जो है वो दिया गया है सो so, नेक्स्ट जो है इससे पहले ये यू के एम्बेसडर भी रह चुके हैं इंडिया के लिए तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासा न्यूली इस्टेब्लिश्ड मार्स मून टू मार्स प्रोग्राम तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो आपके अमित कस्तारियाँ हैं ये फर्स्ट हेड बने हैं नासा ने जो इस्टैब्लिश किया है मून टू मार्स प्रोग्राम उसके और इसके अलावा ये फर्स्ट इनिंग तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग ज बीन अपॉइंटेड एज द अपॉइंटेड एज दून टू मार्स प्रोग्राम तो अमित कस्तारिया जो है ये बने हैं और ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन है जिन्हें हेड uh, जो है वो बनाया गया है नैशा के न्यूली स्टेबलिड मून टू तो मार्स प्रोग्राम का या फिर जो आपका मार्स है उसको मार्स प्लानट जो है आपका उसको रेड प्लानट भी जो है वो कहा जाता है सो so, नासा के क्वार्टर कहाँ पे हैं आपके जो नासा है आपका इसके हेड क्वार्टर हैं वाशिंगटन में और जो आपका इनका जो मेन मिशन है कि लैंड करना है फर्स्ट ह्यूमन को मार्स में तो ये जो है इनका मेन मिशन जो है वो है सो so, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटलीस रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपंइंटिड हू अमंगस दलोइंग एज द न्यू एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है बुकिंग अपॉइंट Uh, तो रिसेंटली आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो अपॉइंट किया है नीरज निगम को एज़ अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इससे पहले ये भोपाल ऑफिस ऑफ उफ बैंक में जो वो रीजनल डायरेक्टर थे और किन्होंने जो और जो आपका रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है ये कब फाउंड हुआ था तो फर्स्ट अप्रैल 1935 को जो है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और इसके हेड क्वार्टर कहाँ पर हैं आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के तो इसके जो हेड टर हैं वो हैं आपके पास कलकत्ता में इसके अलावा जो आपके गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो हैं शक्तिकांत शक्ति कान्ति दास जो हैं ये वो आपके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हैं वो गवर्नर हैं सो so, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द वारंट ऑफिसर ऑफ द यूकेज रॉयल फोर्स तो ये आपके पास जो है वो बने हैं मुरुगेश्वरन सुभी सुब्रमण्यम जो हैं ये वारंट ऑफिसर बने हैं यूके रॉयल फोर्स के नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली रॉन मलका हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ हाइपा पोर्ट कंपनी तो जो आपका हाइपा पोर्ट है ये कौन सी कंट्री में जो है वो है तो जो आपका हाइपा पोर्ट है ये आपका है कहाँ पे तो इसराइल में जो है ये आपका है और इसराइल एम्बेसडर जो है वो और जो रोन मलका है आपके पास वो इसराइल के एम्बेसडर जो है वो रह चुके हैं इंडिया में सो so, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली रिसेंटली ईरान हैज अप ड एज एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस टू थाउजेंड सिक्सटी तो दो हज़ार सोलह के बाद फर्स्ट टाइम ईरान ने जो है वो अपना अम्बेसडर जब वो अपॉइंट किया है यू ए में इन दोनों के रिलेशन जो है वो कब बिगड़े थे ये आपका इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा क्योंकि इन दोनों कंट्रीज का जो है वो आपस में रिलेशन जो है वो बिगड़ चुका था क्यों बिगड़ा था क्योंकि 2016 में जो है वो सऊदी में सिया धर्मगुरु या मौलवी और उनके साथ जो है वो छियालीस और लोगों को जो वो फांसी दी गई थी और उसके बाद जो है वो ईरान वाले जो थे इन्होंने प्रदर्शन जो है वो किया था सऊदी में तो इसलिए जो है वो इनके जो है वो आपस में रिलेशन जो है वो बिगड़ गए थे 2016 में जिन्हें जो है वो री किया गया है तो इसलिए जो है वो आपके सात साल बाद ईरान ने जो है वो अपॉइंट किया अपना अम्बेसडर यू में और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है और इससे पहले जो आपके ये जो अम्बेसडर कौन बने हैं ये आपसे क्वेश्चन भी और जो एम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं तो रेज़ा अमेरी तो रेजा अमेरी जो हैं वो आपके अम्बेसडर बने हैं ईरान के यूएई में 2016 के बाद फर्स्ट टाइम तो ये दोनों याद रखिएगा और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द त्रिपुरा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस तो रिसेंटली आपके पास त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो कौन बने हैं तो ये आपके बने हैं जस्टिस अप्रेश कुमार सिंह इससे पहले ये एक्टिंग चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के और नेक्स्ट जो और जो आपके जस्टिस होते हैं और एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं किसी भी हाई कोर्ट के उन्हें जो है वो अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और रिसेंटली हु जस्टिस भट्टू देवानंद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल जज ऑफ पिच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट तो ये जो है वो आपके मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज जो है वो बने हैं इन्हें जो है वो किसने दिलवाई है तो जो आपके चीफ जस्टिस हैं मद्रास हाई कोर्ट के इन्होंने जो है वो इन्हें ओथ दिलवाई है नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली बिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर वर्किंग ग्रुप ऑफ कॉमन वेल्थ कॉल टू फॉर्म द ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तो रिसेंटली जो है आपका इंडिया जो है इन्होंने अपॉइंट किया है एज द चेयर ऑफ चेयर ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर वर्किंग फॉर कॉमनवेल्थ वेल्थ कॉल टू रिफॉर्म द ग्लोबल फाइनेंस आर्किटेक्चर तो इंडिया जो है वो आपकी ये कंट्री है सो so, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंगज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मिलिट्री एडवाइजर टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्टरी तो एन एस सी एस के uh, जो आपके न्यू मिलिट्री एडवाइजर जो हैं वो बने हैं वो बने वाइस चीफ ऑफ एयर मार्शल संदीप सिंह और ये रिटायर हो चुके हैं जनवरी में तो ये जो है वो आपके न्यू मिलिट्री एडवाइज़र बने हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्ट्रेट के और इन्हें जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं इन्हें जो है वो मिला है सेना मेडल 2006 में इसके अलावा इन्हें अति विश्व विश्व विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो मिला है 2013 में इसके अलावा इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल जो है वो भी मिला है दो में और अभी रिसेंटली जनवरी दो में जो वो रिटायर हुए थे और करेंटली जो है ना न्यू मिलिट्री एडवाइजर जो वो बनाया गया है एनएससीएस का नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास रिसेंटली ओलिवर डॉर्डन हैज़ अपॉइंटेड हैज़ द न्यू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री तो ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम जो है वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने ओलिवर इनसे पहले जो है वो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे डोमिनिक रब उन्होंने रिज़ाइन किया है क्योंकि उन पर जो है वो एलिगेशन लगा था कि उन्होंने जो वो बली करा है अपने कलीग्स को तो इसलिए जो है वो उन्हें जो है वो रिज़ाइन देना पड़ा है और न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो बने हैं ओलीवर सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द केरला हाई कोर्ट तो ये आपके बनी है जस्टिस सरसा जो है वो, वो है आपके न्यू एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं केरला हाई कोर्ट के और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोमोशन इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो ये जो है वो आपके बने हैं राजेश कुमार सिंह जो है वो बने हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपके पास और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है रिसेंटली हु अमंगस द हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेस फॉर 2023 एंड फॉर तो दो हज़ार तेईस चौबीस सेशन के लिए नेस के जो चेयरपर्सन बने हैं वो बने हैं अनंत महेशी और ये जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के प्रेजिडेंट तो प्रेजिडेंट है माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया में और <coughs> इसके अलावा जो आपका नेस कॉम है इन्होंने जो है वो चेयरमैन और एम डी जो थे आपके राजेश नम्बियाल कॉग्निजेंट कौ, कांगनीजेंट इंडिया के जो एम डी और चेयरमैन थे राजेश नंबियाल उन्हें जो है वो बाईस चेयरपर्सन जो है वो बनाया है नेस कॉम ने तो नेस कॉम के चेयरपर्सन बने हैं अनंत महेश्वरी जो प्रेजिडेंट थे माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के और इसके अलावा राजेश नंबियार जो हैं उन्हें बाईस बाईस चेयरपर्सन जो है वो बनाया है नेस कॉम ने जो चेयरमैन और एमडी थे कॉन्गनी सेंटर इंडिया के तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जो है वो शेयर करें तो चलिए आज के लिए बस इतना ही बाय बाय थैंक यू